दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो अगर अनलॉक टूल में अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है तो वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले बनाया था कि जो प्रॉब्लम आ रहा है कैसे आप इसे जो है फिक्स कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे नीचे में आप देख रहे हैं कि जो टूल जो है टूल के नीचे में राइट साइड में जो है लिखा है CRT फिक्स, तो इस पर क्लिक करने पर यह प्रॉब्लम सही हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि कंप्यूटर का जो टाइम डेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर का टाइम डेट जो है आपका इंडिया कंट्री का टाइम सेट होना चाहिए, टाइम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, टाइम में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तो ये आपका टूल ओपन होगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम आता है, फिर भी अगर सेम यही प्रॉब्लम आता है, ठीक है, टाइम डेट भी आपका सही है, इंडिया कंट्री का टाइम सेट है, फिर भी जो है आपका जो है टूल जो है ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे क्या करना है ताकि ये जो एरर है ये आपका फिक्स हो सके, ठीक है। तो इंडिया कंट्री का टाइम सेट होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, ये ठीक है। उसके बाद टूल जैसे ओपन करते हैं तो राइट साइड में नीचे लिखा होता है टूल में CRT फिक्स, उस पर क्लिक करना है। ये सब करने के बाद भी अगर आपका सही नहीं होता है तो फिर आपको यहाँ पे आना है सर्च में, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है कंट्रोल पैनल, ठीक है, कंट्रोल पैनल लिखना है आपको, ठीक है, या कंट्रोल लिख देंगे तो ऊपर में आ जाएगा। अगर विंडोज 10 है आपका या 7 है तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में कंट्रोल पैनल जैसे आ जाएगा सर्च करने पर, तो इस पर आप क्लिक करिए इस पर, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देखिए सिस्टम एंड सिक्योरिटी, उसके बाद क्या है नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, एक पॉपअप खुलेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये कुछ इस तरह का पॉपअप खुल चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेट अप ए न्यू कनेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरनेट वाईफाई का, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेट वाईफाई वाला जो ऑप्शन है तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे में सबसे नीचे में प्रॉपर्टी लिखा हुआ, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे यहाँ पे है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, version 4 TCP, इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद सबसे नीचे में आप आइए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर जो चेक लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है, नीचे वाले पे चेक लगाइएगा तो ये आपको यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको टाइप कर देना है 1, फिर दूसरे वाले पे क्लिक करना है माउस से, फिर यहाँ पे टाइप करना है 1, फिर तीसरे वाले पे माउस से क्लिक करना है, यहाँ पे टाइप करना है 1, फिर चौथे वाले पे टाइप करना है, यहाँ पे टाइप करना है 1, फिर सबसे नीचे में 1 टाइप करना है, फिर माउस से यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 0 टाइप करना है, फिर नेक्स्ट माउस से क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 0 टाइप करना है, लास्ट में आपको जो है 1 टाइप करना, ओके कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद जो है ये प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतना करने के बाद जो है आपका जो प्रॉब्लम है बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे इस टूल को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपका कंप्यूटर का टाइम डेट गड़बड़ है तो उसे सही करें और इंटरनेट टाइम ऑटो अपडेट करें, उसके बाद इंडिया कंट्री का टाइम सेट होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, ठीक है। ये सारा क्लियर रहेगा और ये सब करने के बाद ये जो प्रॉब्लम आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।